सब आए सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और सुबह के 11 बज रहे हैं। वो देखिए मैं नहा ली हूँ, काम हो गया क्योंकि लेटे थे तो मैंने भी ये कंबल तय नहीं बनाया। वैसे मैंने चादर वगैरह सब झाड़ दिए और पोछ वगैरह भी लग गया क्योंकि खाना रात का ही रखा है। चावल भी रखे हैं और रोटी भी मैंने बना ली थी तो खाई नहीं इन्होंने भी ज़्यादा। मम्मी ने भी बहुत कम एक दो रोटी खाई है और मैंने भी नहीं खाई थी, तो सब रोटियां ऐसी रखी हैं तो वेस्ट नहीं करेंगे, उन्हें ही खाएंगे सब। मैं उन्हें गर्म कर दूंगी और मैं देसी घी लगा दूंगी तो अच्छी हो जाएंगी, तो वो खा लेंगे हम दोनों। और सब्जी भी रखी है तो ऐसा कुछ नहीं कि बनाना पड़ेगा। शाम को बनाऊंगी साग और मक्का की रोटी, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं बना रही। और ताशु नीचे है, ताशु को फिर फीवर हो गया, पता नहीं कैसे उसको हर हफ्ते फीवर ही होता रहता है। उसका ये मौसम बदल रहा है इसलिए थोड़ा सा ये है। वो तबकि मैं उसे गर्म बलियान और टी शर्ट भी पहनाती हूँ क्योंकि वो टॉयलेट बार बार कर लेता है तो नंगा कुछ टाइम रह जाता है, तो उस वजह से भी उसे बुखार हो रहा है। और उसको जुकाम बहुत हो चुका है, बहुत ज़्यादा उसकी नाक चल रही है। तो उसे सोच रहे थे ये कि भाप दे दूंगा, तो अभी भाप देंगे क्योंकि ये नीचे गए हैं अभी। तो चलिए अभी थोड़ी देर देखते हो। अभी मैं ब्लैक चाय पीऊंगी, काली चाय, और उसमें दूध नहीं डालूंगी, ना मीठा, और नींबू डाल के पीऊंगी। किसी ने मुझे बताया था कि ये सब करने से थोड़ा सा वेट कम हो जाएगा, तो ट्राई करते हैं अगर होता है तो। क्योंकि मैं सुबह गर्म पानी तो पी रही हूँ, ये भी ट्राई कर लेती हूँ, अगर थोड़ा बहुत हो जाएगा तो वो भी चल जाएगा। क्योंकि अभी फंक्शन है लल्ला का, कुआ पूजन होगा मेरे लल्ला का, क्योंकि वो 1 साल का हो जाएगा 20 नवंबर में। तो 19 को हमारा कुआ पूजन है क्योंकि 1 साल पहले से उसका कुआ पूजता है, तो इसीलिए। तो देखते हैं। और अभी हमारी शॉपिंग रह गई है, शॉपिंग हमें करनी है क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं आया। ब्लाउज रेडी कराने हैं और मैं लहंगा देखूंगी, और क्योंकि बक्से की चाबी मेरा भाई ले गया, क्योंकि वो यहाँ पर थैला टंग रहता हैंगर पे, तो वो थैले में ही गिर गई चाबी और वो घर चली गई है। तो मैंने अपने भाई को बोला कि भाई दे जाओ, और पता नहीं देखे जाएगा नहीं देखे जाएगा, वो बहुत छोटा बहुत शैतान है। देखती हूँ, बोलूंगी उससे कि दे जाए, तो फिर लहंगा ट्राई करूंगी। अगर लहंगे में कुछ, ब्लाउज तो कराना पड़ेगा क्योंकि ब्लाउज नहीं आएगा, और लहंगा भी थोड़ा सा पेट से देखती हूँ अगर कहीं से कुछ हो सकता है, क्योंकि वही पहनना पड़ेगा, शादी का लहंगा पहना जाता है कुआ पूजन पे। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ मम्मी मक्का का आटा मांड रही है और सामने जी बैठी थी, जी से बात करी थी मम्मी, और फिर मम्मी ने इसमें थोड़ा गेहूँ को भी मिलाया, कह रही थी कि इससे रोटियाँ अच्छी आती हैं गेहूँ का थोड़ा सा मिला के। मम्मी ने गोड़ दिया है, आलन लगा दिया और अब हो जाएगा। और देखिए मक्का का आटा, मक्के की रोटी बनेगी, तो चलिए देखते हैं अभी थोड़ी देर में बनेगी। और दीदी भी नहीं, सब हम लोग यहीं हैं, और अम्मा को बोला था, अम्मा ऊपर आता पर अम्मा आई नहीं, और मौसी जी अभी हॉस्पिटल से आई हैं तो वो भी नीचे। इसीलिए देखिए मेरे छोकरी है और मम्मी अब मक्का की रोटी बनाएंगे। दशक हो गई कमरे, स्नो बजने वाले। और देखिए अभी मेरा काम खत्म हुआ है और साग थोड़ा सा बचा है, सुबह के लिए हो जाएगा क्योंकि सुबह तो मैं सब्जी बनाती भी नहीं, वैसे भी नहीं बनाती मैं। और सब खाना खा के चले गए, मैंने जिया जी का पैक कर दिया क्योंकि जिया जी लेट आएंगे, तो जी दीदी ने बोला कि घर के लिए दे दो, फिर मैंने उनके लिए घर ही पैक कर दिया। और अब मैं खाऊंगी और फिर मैं देखती हूँ कि मुझे कौन से साड़ियों में फॉल लगानी है, वो साड़ियाँ फॉल निकालने के लिए लगाऊंगी, क्योंकि हम मोस्टली 4-5 तारीख को चले जाएंगे गाँव, क्योंकि गाँव में साफ सफाई भी है और फिर और भी ऊपर के काम हैं, हमें वो भी तैयारियाँ करनी है, तो इसलिए फॉल भी लगाऊंगी। और मैं कोई भी साड़ी में फॉल नहीं लगी, और मेरे ब्लाउज भी अभी रेडी नहीं हुए, सोच रही हूँ कैसे रेडी होंगे, क्या होगा, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे, तो देखते हैं। और अभी तो मेरा चूड़ा भी नहीं आया, ना ही लहंगा, मैंने अभी ट्राई करके देखा कि लहंगा ट्राई करके देख लूँ, एक बार देखती हूँ कि लहंगा आ जाएगा नहीं आएगा, ब्लाउज तो आएगा ही नहीं वो तो मुझे पक्का पता है, और लहंगे का देखती हूँ क्योंकि इसमें फिर फ्रिल लगवानी पड़ेगी नीचे मुझे अगर ऊंचा आता है तो। और देखते हैं कैसे क्या करना है, थोड़ा सा करना है, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना कैसे कैसे करके। और सोच रही हूँ कि गाँव, अभी तो मेरा मन भी नहीं था जाने का, पर मम्मी बोल रही है कि फिर चलो, साफ सफाई भी बहुत करनी है क्योंकि काफ़ी दिन से हमारा घर बंदी है, क्योंकि कोई रहता नहीं है उधर, अम्मा को भी हम यहीं ले आए थे क्योंकि अम्मा रहती थी चाचा के पास, तो आ जाती थी कभी कभी घर को, तो वो फिर घर भी नहीं आती, तो इसलिए अम्मा को यहीं ले आए, अम्मा आप घर ही चलो क्योंकि वो बूढ़ी दादा है, खाना भी फिर खाने की प्रॉब्लम हो जाती है उनकी कि खाना कौन बनाएगा, इसलिए घर ही आ गई हैं। और फिर देखती हूँ अभी क्या करूँगी, पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं साड़ियाँ निकालूँगी, तो दिखाऊंगी कि कौन कौन सी साड़ी मैंने रेडी कराई है जाने के लिए। और जागरण की तो मैंने सरप्राइज रखे, जब जागरण पहनूंगी तभी, और मैं अपनी शादी का लहंगा भी दिखाऊंगी कि शादी का लहंगा कैसा है मेरा। तो चलिए पहले मैं खाना खा लेती हूँ, भूख लगी बहुत ज़्यादा। मैं ले आई हूँ फॉल, आपको दिखाती हूँ, मैंने साड़ियाँ निकाली अभी,
तो दिखाती हूँ आपको। पहली ये है, ये हल्की सी आई ऐसी साड़ी है। और सेकंड वाली ये है, ये मैं जब जयपुर गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका भी, ऐसा नहीं है कि बेकार है या कुछ भी, बहुत सॉफ्ट है और इसका भी ज़्यादा सॉफ्ट ही है। और देखिए ये है, ये बनारसी में है ये भी। ये रही एक, मैंने ये निकाली है रेडी करने के लिए, इसकी भी फॉल ले गई हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर साड़ी है ये अंदर से। ये देखिए इसको ऐसी इसमें पूरे में भर के, ये इसका पल्ला है। ये देखिए ये साड़ी है इसकी, और भी है। ये रही है एक ये वाली है, दिखाती हूँ। ये देखिए ये रही एक ये है, ये भी सुंदर है। इस पे जो वर्क दे रखा है ये पूरे पे, पल्ले पे भी है और ऐसा भी। और ये नीचे जो है ये पूरा पल्ले पे है, और ये है ऐसे फूल बने हुए हैं सब पे। एक ये वाली साड़ी है और एक ये है, देखिए ये भी है, ये भी ये वाली है। ये चेक साड़ी है और चल रही है ये भी, देखिए ये भी साड़ी सुंदर है। और एक और है, एक ये वाली साड़ी है, ये वाली और ये वाली के सेम है, थोड़ा थोड़ा कलर, बट ये अलग अलग पहनूंगी तो कोई वो नहीं पता चलेगा। और सभी अच्छी हैं इसमें साड़ी। आपके कल से लगाना फॉल स्टार्ट करूंगी, और ब्लाउज मैंने दे रखे हैं सिलने के लिए, तो देखती हूँ कब तक आते हैं। हमारी बेरी ये अलमारी में सो गई है, आज हुए कपड़े रखे जाते हैं बिछौनी वगैरह, और इसको ठंड लग रही है तो ये यहीं घुस गई है और ये यहीं सोएगी। बैरू ठंड लग रही है बेटा, ओए बेरी ठंड लग गई, और इसको मैं पर्दा भी लगा दूंगी, आराम से सोएगी, सो जाओ बेरा। बैरी के तकिए पे, ताशु के तकिए पे सो जाओ बैरी, सो जाओ सो जाओ बैरी। नीना पर्दा लगा दो, पर्दा लगा दो, पर्दा लगा दो, पर्दा लग गया, अब ये सो जाएगी। गुड नाइट बैरी, गुड नाइट। रात के 11 बज रहे हैं और देखिए ताशु को, ताशु नीना नहीं आई, नहीं आई, इसको जुकाम इतना हो रखा है बहुत ज़्यादा, और मैंने इसका बिस्तर भी लगा दिया तो इसे लेटाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी। गुड नाइट, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, आज के लिए इतना ही। और देखिए ताशु मुझे कैसे देख रहा है, ताशु क्या हुआ, कैसे देख रही हो, क्या हुआ, बाय बाय कर दो, चलो बाय बाय कर दो, ऐसे बाय कर दो, बाय कैसे करोगे, बाय ऐसे, बाय 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 बाय।